एक किलो की सैंडविच। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे नॉर्मल सैंडविच 60-70 रुपए में मिल जाता है और उसका वजन तकरीबन 100 ग्राम के अंदर होता है। सूरत के कुछ एरिया वेसू वीआईपी रोड, यहाँ पर वही 60-70 वाले सैंडविच आपको 150 रुपए में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर उदना दरवाजे पर जलाराम सैंडविच पर रिमझिम सैंडविच 150 रुपए प्राइस में गाइस आपको 1 किलोग्राम का सैंडविच मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो अभी हम आ गए हैं जय जलाराम सैंडविच पर, उतना दरवाजा पर सूरत में। यहाँ पर ये सैंडविच जो है वो 1 kg का है, पूरा 1 किलोग्राम, इसकी प्राइस 150 है और ये देखने में बिल्कुल पिज्जा या बर्गर जैसा लगता है और ये सैंडविच बिल्कुल। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या डाला जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम गाइस अब हम जा रहे हैं शॉप पर, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बना रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर इसके अंदर डाली जाती है। सैंडविच जो हमारा बनने को तैयार हो गया है और ये ब्रेड की लेयर इसको काट दिया गया है, उसके ऊपर बटर लगाया गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत स्पीड में इसको लगाया जा रहा है। ये ब्रेड की पहली लेयर है और उसके ऊपर इसके बाद इसके ऊपर चटनी डाली जा रही है। सबसे पहले ब्रेड लगा दिया, उसके ऊपर मक्खन है, बटर था और अब इसके ऊपर चटनी आ गई है। इसके बाद इसके ऊपर ये सॉस लगाया गया है और सॉस भी भरकर डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर ढेर सारी ये कचुम्बर की चटनी आ रही है। सैंडविच काफी ज्यादा लोडेड होने वाला है। उसके ऊपर गाइस आप देख सकते हैं ये चीज भरकर डाली जा रही है और आप देख सकते हैं ये सैंडविच अभी पूरा तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद एक और लेयर आने वाली है जो ब्रेड की है, ये इसके ऊपर आ गई गाइस दूसरी ब्रेड की लेयर, आप देख सकते हैं ये अभी भी तैयार नहीं हुआ है। इसके ऊपर ये डाला जा रहा है, पूरा अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है बटर, अंदर ऑनियन टोमेटो कैप्सिकम। और अब देख सकते हैं गाइस दूसरी लेयर के ऊपर भी चीज भरकर डाला गया है। गुजरात के अंदर गाइस किसी भी स्ट्रीट फूड के अंदर चीज के बिना कोई भी स्ट्रीट फूड यहाँ रेडी नहीं होता है, चीज बहुत सारी डाली जाती है यहाँ पर। और इसके बाद गाइस ये आई ये तीसरी लेयर, आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर तीसरी लेयर के ऊपर बटर लगाया गया, उसके बाद ग्रीन चिल्ली डाली गई है और उसे ढक दिया गया है। अभी भी गाइस ये रेडी नहीं हुआ है। गाइस आखिरी तीसरी लेयर के ऊपर भी ब्रेड लगाया गया है, बटर ब्रेड के ऊपर। इसके ऊपर गाइस ये आ गई है मायो, आप देख सकते हैं मायो इसके ऊपर अच्छी तरीके से डाल दी गई है। गाइस सैंडविच के ऊपर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स अच्छी तरीके से दोनों एक दूसरे के टकरा कर डाली जा रही है ताकि एक भी रह नहीं जाए, अच्छी तरीके से इसके ऊपर पूरी लग जाए। गाइस अब हमारा सैंडविच जो है वो बैक होने के लिए तैयार हो चुका है, तो चलिए हम देखते हैं। गाइस सैंडविच जो है अब यहाँ से बैक होने के लिए ऑन में जाएगा। गाइस 5 मिनट के लिए सैंडविच जो है उसको ग्रिल करने के लिए, बैक करने के लिए अंदर डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये हमारी सैंडविच अच्छी तरीके से ग्रिल होकर अब रेडी होकर देखिए ये आ गई है। तो चलिए इसे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। गाइस हमारी सैंडविच जो है वो इसकी साइज कम से कम 9 इंच होगी, 8 से 9 इंच की, तो इसे डायरेक्ट एक इंसान तो खा नहीं सकता, उसके बाद इसे काटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे, ये 6 हिस्सों में काटा जाएगा। ये पहली कटिंग हो गई, उसके बाद ये पिज्जे की तरह इसे काटा जाता है। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पिज्जा या बर्गर से कम मुझे नहीं लगती सैंडविच। तो ये हो गई इसकी कटिंग, तो चलिए अब इसके टेस्ट करके बताएंगे। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस सैंडविच को निकालने के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर से लोडेड है। और चलिए खाकर देखते हैं, सबसे पहले ये खाने में कैसी है। गाइस पहली बाइट ली हमने, पहली बाइट के अंदर ही इसमें इतना जबरदस्त सैंडविच बनाया, खाने का मजा आ गया। गाइस आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी फूड रिलेटेड बहुत सारी वीडियो।